नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ रखे हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पैराग्राफ में से। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं व्हाट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो हमें यहाँ से पॉइंट याद करना है, द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकोगनाइज द पॉलन वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप। राइट टाइप पॉलन आर नोन एज कंपेटिबल पॉलन, ओके, और द रॉन्ग टाइप मीन्स इनकम्पेटिबल। इफ द पॉलन इज कंपेटिबल, अगर पॉलन कंपेटिबल है मीन्स राइट टाइप है, तो ही हमारी जो स्टिग्मा है इट विल प्रमोट द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। क्लियर? सो दिस इज द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, दैट इज द सेलेक्शन सेलेक्शन ऑफ कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? तो एक पॉइंट हमें यहाँ से याद करते हुए चलना है। अब बच्चों, सेकेंड पॉइंट जो हमें याद करना है इस पैराग्राफ से, वो है ये जो इंटरेक्शन है ये होता किस टाइप का है, कैसे पिस्टल पॉलन को रिकग्नाइज करती है। सो इनके बीच में मीन्स पॉलन और पिस्टल के बीच में एक केमिकल इंटरेक्शन चलता है। ओके, सो द डायलॉग इज मीडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन विच इंटरेक्ट विद दोज ऑफ द पिस्टल। तो यहाँ से हमें याद रखना है केमिकल इंटरेक्शन, टर्म याद करनी है केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द पॉलन एंड द पिस्टल। क्लियर? दो पॉइंट हो गए। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस केमिकल इंटरेक्शन द पिस्टल विल रिकॉग्नाइज एंड स्टार्ट द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। यहाँ पर देखो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। वॉट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एंड हाउ इज इट मीडिएटेड। तो ये जो दोनों पॉइंट्स अभी हम लोगों ने कवर किए हैं, वॉट इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन फर्स्ट पैराग्राफ में कवर किया था, हाउ इज इट मीडिएटेड, इट इज मीडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पॉलन एंड द पिस्टल। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट्स आपको इस आंसर के अंदर लिखने हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों, आफ्टर द इंटरेक्शन द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। तो यहाँ पर बच्चों हमें पूरी एक ना लिस्ट याद करनी है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स की, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो देखना। द फर्स्ट इवेंट, नंबर वन, फर्स्ट इवेंट इज द जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा। क्लियर? सेकेंड इवेंट, सेकेंड इवेंट, अच्छा जर्मिनेशन में होता क्या है, द पॉलन विल गेट स्वेलन एंड इमर्जेंस ऑफ पॉलन ट्यूब, दिस इज द जर्मिनेशन। क्लियर? सो इमर्जेंस ऑफ पॉलन ट्यूब इज थ्रू द जर्म पोर, दिस इज द जर्मिनेशन। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट में फर्स्ट पॉइंट ये आपको लर्न करना है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, सेकेंड पॉइंट होता है द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, दिस इज द सेकेंड इवेंट, पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा। क्लियर? थर्ड इवेंट जो हमें याद करना है वो क्या है, थर्ड इवेंट इज जेनरेशन और डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स। देखो एक चीज याद रखना, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कई बार जो पॉलन होता है जब वो शेड होता है तो उसके पास में दो ही सेल्स होती हैं, टू सेल्स, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड वन इज जनरेटिव सेल। तो अगर पॉलन ग्रेन टू सेल स्टेज पे शेड हुआ है और ये स्टिग्मा के ऊपर इसी स्टेज में पहुंच गया है, तो अब हमारा जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा उसके बाद में इसकी जो ये जनरेटिव सेल है, दिस विल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इट विल प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। सो थर्ड स्टेप इज द जनरेशन और डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेट्स। द फोर्थ स्टेप, फोर्थ इवेंट या फोर्थ स्टेप जो है वो हमारा क्या है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का, दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द पॉलन ट्यूब। नाउ द पॉलन ट्यूब इट विल एंटर थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिट through the filiform apparatus into the ovule. So entry of the pollen tube into the ovule, this is the fourth step. Clear? तो ये चार step या चार events हैं, ये हमें याद रखने हैं, sequence में याद रखने हैं. Okay? So these all events from
पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा, दिस इज द पॉलिनेशन, ओके, एंड आफ्टर पॉलिनेशन ऑल द इवेंट्स अंटिल द पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल, जब तक पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर नहीं हो गई है, ऑल दीज आर रिफर्ड एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. तो ये जो चारों इवेंट्स हैं, ऑल फोर इवेंट्स आर नोन एज और रेफर्ड एज द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन. क्लियर? तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ से लर्न करते हैं. देखो एक क्वेश्चन और है प्रीवियस ईयर पेपर में से, वो देखते हैं. वॉट डज एन इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन ग्रेन्स एंड इट्स कंपेटिबल स्टिग्मा रिजल्ट इन आफ्टर पॉलिनेशन. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल आंसर हो जाएगा, देयर विल बी अ केमिकल इंटरेक्शन, देयर विल बी अ केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड कंपैटिबल स्टिग्मा एंड इट विल स्टार्ट. क्या स्टार्ट हो जाएगा? इट विल स्टार्ट द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स. क्लियर? सो दिस इज द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, दैट इज द केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड कंपैटिबल स्टिग्मा एंड इट विल स्टार्ट द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स. फिर आपको क्या लिखना है? लिस्ट टू स्टेप्स इन सीक्वेंस दैट फॉलो आफ्टर द प्रोसेस. आपको कोई भी दो स्टेप लिखने हैं. हम लोगों ने चार स्टेप की बात करी है, तो आप इसमें दो स्टेप पूछें तो आप इन सीक्वेंस पूछें, ये भी याद रखना, इन सीक्वेंस पूछें तो आपको दो स्टेप लिखने पड़ेंगे जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इज द जर्मिनेशन, सेकंड इज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब. क्लियर? तो बच्चों ये पॉइंट्स आप यहाँ से याद करना इस टॉपिक में से, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. बाय.